न्याय के साथ विकास कानून का राज, जदयू का ये पोस्टर लगा हुआ है जदयू ऑफिस के बाहर। लेकिन आपको हम बता दें कि सबसे बड़ा अन्याय जो है इस पार्टी के साथ ही हो गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अभी पटना में चल रही है, और उन्होंने कल आरोप लगाया, नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन ये आरोप लगाया कि बीजेपी उनके सहयोगी के द्वारा उनके पीठ पर छुरा भोंका गया है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के समय में उन्हें गुमराह किया गया, उन्हें धोखे में रखा गया। इसके साथ ही साथ केवल नीतीश बाबू ही नहीं, उनके कितने सारे विधायकों ने और वैसे नेताओं ने जो कि इस बार चुनाव नहीं जीत पाए, उन्होंने भी हार के लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार जो है वो बीजेपी को माना है। यानी कि सहयोगी, जिनका 2017 साल पहले रिलेशन रहा और 2017 से फिर से रिलेशन है, और सरकार में साथ में सरकार के साथ वो दोनों पार्टियां हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि 5 महीने पहले ही सब कुछ तय हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसी आधार पर वो चुनाव में जाते, कौन कौन सी सीट उन्हें मिल रही है और किसे किसे वहाँ खड़ा करना है, और सांगठनिक मजबूती जो कि क्षेत्रों में होनी चाहिए जिसको लेकर ही चुनाव में जाते हैं, वो सब चीज़ तय होनी चाहिए। लगातार मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मन नहीं था क्योंकि सीटें कम आई थी, और इसका एहसास जो है उन्हें चुनाव के दौरान ही पता चल गया था, जब वो चुनाव करके आते थे, प्रचार से आते थे वापस, और जब पार्टी में बैठक करते थे अपने लोगों के साथ, तभी उन्हें ये पता चलता था कि जो सहयोगी दल हैं या जो अपने हैं वो उनके साथ दगाबाजी कर रहे हैं, यानी कि उनको कंट्रोल में नहीं ले रहे हैं, उनको विश्वास में नहीं ले रहे हैं और उनके लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। बोगो सिंह जो कि मटिहानी से विधायक हैं, वहाँ से एकमात्र लोजपा जीत पाई, राजकुमार सिंह जो जीते, उनका साफ कहना था कि जो लोजपा है उसे हराने की जो शक्ति है वो नहीं थी, बावजूद इसके हारे, क्योंकि इसमें बीजेपी का हाथ था, बीजेपी का ही सहयोग था। अब देखने वाली बात है कि ये जो कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, इसमें ये असंतुष्ट, यानी कहें तो असंतुष्टों का बैठक है, और असंतुष्ट किससे हैं तो अपने सहयोगी से असंतुष्ट हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि अटूट संबंध हैं और कभी भी वो संबंध जो है टूट नहीं सकते हैं। हालांकि 2013 में ये टूट चुका है, और इसके बावजूद नीतीश कुमार जो हैं ये कहते हैं कि सरकार जो है 5 साल चलेगी। और सबसे बड़ा बात कि CAA और NRC को लेकर नीतीश कुमार ने कल एक राग छेड़ दिया, वैसा मुद्दा जो कि पूरे देश में अभी नहीं चल रहा है और जिसके लिए बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन भी हुआ पूरे देश में। तो ये इशारों में एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स, जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने कर दी है, और वैसे मुद्दे को वो उठा रहे हैं जिससे बीजेपी जो है काफ़ी असहज हो जाएगी। तो देखने वाली बात है कि जो आज कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, इसमें प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। रामसेवक सिंह उनका नाम जो है सबसे आगे चल रहा है। अब देखने वाली बात है कि जो पार्टी के जो सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं और जो पदाधिकारी हैं, वो किसकी नाम की मोहर लगाते हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि ये जो कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, काफ़ी इसमें जो सदस्य हैं अपने सहयोगी से ही असंतुष्ट हैं और खुलेआम बीजेपी के खिलाफ बातें रख रहे हैं। और जो जानकार हैं उनका कहना है कि नीतीश कुमार जब कुछ बात जो नहीं बोल पाते हैं वो अपने लोगों से बोलवाते हैं, यानी कि ये जो विरोध आ रहा है इसमें कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार हैं उनकी हामी जरूर है या उनके इशारे पर हो रहा है। तो अब देखने वाली बात है कि सरकार जो है, हालांकि नीतीश कुमार का कहना है कि 5 साल चलेगी, लेकिन अगर ऐसे अगर रहेंगे संबंध और इतना विरोध रहेगा, विरोधाभास रहेगा, एक दूसरे को पर यह आरोप लगाया जाएगा कि दुश्मन की तरह छुरा भोंका गया, जब दुश्मन मान रहे हैं किसी और को और धोखा की बात कर रहे हैं, तो 5 साल कैसे सरकार चल पाएगा और कैसे जो बिहार में डेवलपमेंट है, जैसा कि स्लोगन में आप देख रहे हैं कि न्याय के साथ विकास कानून का राज, ये कैसे स्थापित हो पाएगा जब दो सहयोगी जो हैं उनके बीच में जो संबंध हैं वो अच्छे नहीं रहेंगे। अगर कोई एक दूसरे को दुश्मन मानेगा और पीठ में छुरा भोंकने का बात करेगा, तो कैसे भी जो है वो सरकार चल पाएगी और कैसे संबंध जो है मधुर बने रहेंगे। तो आज सबकी निगाहें जो हैं वो बैठक पे है। लगातार बैठक में ऐसी बातें आ रही हैं जो कि गठबंधन धर्म के लिए अच्छी नहीं है, बावजूद इसके सरकार चलाने का हर कोई दावा कर रहा है। जो भी अपडेट होगा हम आपको उसके पास हम लेकर उसे आपके पास आते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।